अगर आपको आपके इंस्टाग्राम में इस तरीके से लिखा आ जाता है योर अकाउंट कांट बी रिकमेंडेड एट द मोमेंट, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन गाइडलाइंस में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका अकाउंट जो है रिकमेंडेड नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये लिखाता है तो मैं पहले तो आपको सबसे पहले ये भी कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, ये क्यों लिखाता है वो आपको सबसे पहले समझाते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली अगर हम कोई वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, मतलब वीडियोज़ फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा कंटेंट है जो कि हार्मफुल है, कोई ऐसे मतलब ब्लड हम खून वगैरह दिखा रहे हैं या फिर कोई अडल्ट कंटेंट है, पोर्नोग्राफिकल कंटेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको उस वीडियो को तो रिमूव कर दिया जाता है, जो आपका कंटेंट है फोटो इमेज वीडियो जो भी है उसे रिमूव कर दिया जाता है और आपको एक पेनल्टी पड़ती है, एक स्ट्राइक मिलती है, ठीक है। आगे चलकर आप ऐसी चीज़ें ना करो, इसलिए आपको एक तरीके से जो है एक स्ट्राइक वगैरह दी जाती है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि यहाँ पर देखिए डिसएग्री विद आवर डिसीजन है यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप जो है इंस्टाग्राम को एक तरीके से मैसेज करोगे कि फिर से एक बार जो है हमारी अकाउंट को चेक वगैरह करें, ठीक है। तो उसके बाद वो आपके अकाउंट को चेक करेंगे एंड उन्हें अगर लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है या फिर आपका अकाउंट वगैरह सही है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है आपकी जो ये यहाँ पर इस तरीके से जो लिखा आ रहा है वो वहाँ से हट दिया जाएगा और आपका अकाउंट वापस से पहले जैसा जो है कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये मतलब पूरी चीज़ें होती है, यहाँ पर आपको इस तरीके से अगर ये लिखा आ रहा है तो इसका साफ तौर पर मतलब यही होगा कि आपको कुछ टाइम तक वेट करना है। यहाँ पर अगर ये लिखा रहा है तो आपका जो भी कंटेंट यहाँ से आगे चलकर अपलोड होगा वो कभी भी किसी के पास मतलब जब तक वो आपकी स्ट्राइक है कुछ दिनों तक, ठीक है, कभी कभी 90 दिनों तक मिलती है, कभी कभी 7 दिनों तक मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब कभी रिकमेंडेशन गाइडलाइन हमारी हट चुकी है और कम्युनिटी गाइडलाइन भी हमारी हट चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू हैवंट पोस्टेड, ये कुछ इस तरह से लिखा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन गाइडलाइन में हमारे यू मे बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन, मतलब हमारा कंटेंट अब जो है किसी कोई भी व्यक्ति देख पाएगा या फिर इंस्टाग्राम हमारे कंटेंट को रील्स हो या फिर जो भी हम डाले फोटो वगैरह उसे लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा रहा है, जो मैंने आपको शुरुआत में लिखा था वो लिखा रहा है, तो इसका मतलब आपकी वीडियोस रील्स लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंच पाएंगे, उसे रीच नहीं मिलेगी या फिर इंस्टाग्राम उसे एक तरह से प्रमोट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एक तो अपील कर सकते हैं जो नीचे मैंने आपको अभी बताया बॉक्स में, तो वहाँ से अपील कर सकते हैं या फिर आप वेट कीजिए 7 या फिर 15 या फिर 90 दिन, ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। कभी कभी 7 दिन में भी आपका अकाउंट सही हो जाएगा, कभी कभी 15 दिन लेते हैं, कभी 1 महीना और कभी 90 दिन। बस आपको करना ये है कि इस पेज कोई आपको वायलेशन नहीं देना है, कोई इस टाइप की वीडियोस रील्स फोटोज डालने नहीं है जो कि वायलेट कर रहे हो।